हेलो ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या फायदे और नुकसान है। तो पॉइंट नंबर वन है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब हम एक ही दिन के अंदर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट मंडे से फ्राइडे 9:15 पर ओपन होती है और 3:30 क्लोज होती है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर है तो इसका मतलब है कि इसके कुछ फायदे तो जरूर होंगे। जैसे इंट्राडे में हमें मार्जिन मिलता है जिससे हम कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे में हमें 5 गुना का मार्जिन मिलता है जिससे हम 500 रुपए के शेयर को 100 रुपए में बाय कर सकते हैं। अब अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट भी 5 गुना मार्जिन के हिसाब से होगा और अगर हमें लॉस होगा तो हमें लॉस भी 5 गुना मार्जिन के हिसाब से होगा। अब इंट्राडे का दूसरा फायदा यह है कि इंट्राडे में हम बढ़ती और गिरती दोनों तरह की मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि मार्केट में प्राइस नीचे गिरेगा तो हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एबीसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपए है, हमें लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरेगा तो हम इस कंपनी के शेयर को सेल कर देते हैं। 10 मिनट बाद कंपनी के शेयर का प्राइस 90 रुपए हो जाता है जिसके कारण हमें एक शेयर पर 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब इंट्राडे का तीसरा फायदा यह है कि इंट्राडे से हम रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना ही कोई दूसरा काम करते हैं, वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लेते हैं कि उन्हें कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इंट्राडे का चौथा फायदा यह है कि इंट्राडे में हमें फंडामेंटल्स वगैरह के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती, यानी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहां से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे जाएगा। अब यहां तक वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, हम भी इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की एक डार्क साइड भी है जिसमें लोगों का घर बार सब कुछ बिक जाता है, तो उसके बारे में बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंट्राडे का पहला नुकसान यह है, अगर हमें इंट्राडे में एक ही दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है तो हमें एक ही दिन में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। और ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर ट्रेडर का लॉस होता है, बस वो आप पर डिपेंड करता है आप अपने लॉसेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब इंट्राडे का दूसरा नुकसान यह है, इंट्राडे में ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि जब हम डिलीवरी में शेयर्स को बाय करते हैं अगर शेयर का प्राइस आज गिर भी रहा है तो भी हमें पता होता है कि आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो करेगी क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन इंट्राडे में हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, हमें एक ही दिन के अंदर शेयर्स को बाय और सेल करना पड़ता है। अब इंट्राडे का तीसरा नुकसान यह है, इंट्राडे में हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि इंट्राडे में हम घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं। हमें यह पता करना होता है कहां से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कहां से शेयर का प्राइस गिर रहा है और कहां से हम एंट्री लेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा टारगेट होगा। तो ऐसे में हमारे अंदर कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बार लाइव देख लेते हैं हम इंट्राडे में कैसे शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहां पर HDFC के ETF को ओपन किया हुआ है, हमें लगता है कि ETF का प्राइस बढ़ेगा तो हम सीधा बाय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहां पर इंट्राडे और डिलीवरी दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर हम इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वांटिटी में हम कितने शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, इसके बाद हम यहां से लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं तो भी हम इसे मार्केट प्राइस पर बाय कर लेते हैं। अब ये ऑर्डर हमें पोजीशन में देखने को मिलेगा। अब इंट्राडे का ETF बाय हो चुका है, ये हमें पोजीशन में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसे सेल करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर सीधा सेल पर क्लिक करेंगे, फिर से इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी टाइप करेंगे और यहां से हम फिर से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसे मार्केट ऑर्डर पर सेल कर देते हैं तो हमारा ETF सेल हो चुका है। इसी तरीके से आप इंट्राडे में शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई वीडियो के साथ।